गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं ग्लोबल स्टूडेंट्स को इसी बात को लेकर एड्रेस करूँगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करूँगा, विच लैंग्वेज वी हैव टू लर्न एंड हाउ, किस भाषा को सीखें और कैसे सीखा जाए। सीखने की कला में शिक्षक की बातें तो की जाती हैं, परंतु तो सच्चाई से दूर जाने का प्रयास किया जाता है। सीखने के लिए सबसे पहला तत्व तो है कि लगन का होना, जिज्ञासा का होना, जनरेट क्यूरियोसिटी। कैसे पैदा की जाए लगन? और जब जिज्ञासा पैदा हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, तो सीखने का मज़ा और सिखाने का मज़ा अलग हो जाता है। जब तक जिज्ञासा पैदा न हो, नीरसता पैदा होती है, वाहपन आता है और रिजल्ट परिणाम शून्यता की तरफ बढ़ता है। मैं सभी से, जो भी एजुकेशन से जुड़े लोग हैं, मिनिस्टर साहिबान, विशेष रूप से मैं मिनिस्टर्स को ही बात करूँगा, एशियन अफ्रीकन लैटिन अमेरिकन जो डेवलपिंग कंट्रीज का तमगा जिन पर है, उनके मंत्रियों में एक बड़ी कमी। देखो, नीति निर्माण काम सरकारें करती हैं। हमने जब निदेशकों से बात की, वो कहते हैं सर मैं इतना कम्पिटेंट आदमी नहीं हूँ कि पॉलिसी बना सको, पॉलिसी लागू करता हूँ। अगर कहेंगे ये यहाँ जो एग्ज़ाम जो है हाउस एग्ज़ाम लगे तो हाउस एग्ज़ाम लगा दूँगा, कहेंगे कोई एग्ज़ाम नहीं लगाऊँगा। मींस पॉलिसी मेकर्स गवर्नमेंट होती है, चाहे वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो, चाहे लोकतंत्र हो, यानी किसी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, प्रधान लक्ष्य जो प्राइम या मेजर जो ऑब्जेक्ट जो है वो पॉलिसी फॉर्मेशन का काम सरकारें करती हैं, मैं कहना चाहता हूँ। और इन देशों की सरकारें, इसमें कोई दोराय नहीं है, पता नहीं क्यों शर्मिंदगी महसूस करती हैं लाहौर, दिल्ली, कोलंबो, तेहरान, इन शहरों के बच्चे को विदेश जाने की कहाँ से आवश्यकता पड़ गई, किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता महसूस कर रहा है, किस प्रकार की भाषा सीखने की आवश्यकता महसूस कर रहा है। मैं एक तो लैंग्वेज पर बताना चाहूँगा, और ये कई बार मैं कहता हूँ ये विकसित देशों में जो प्रेस जो है, ये कोई खास प्रेस की भूमिका है भी नहीं, इनको भी सीखना पड़ेगा। ये बहुत पुरातन व्यवस्था जो है, दरबारी पूंजीपतियों के मुनि मुसलमान ने संस्कृत में डिग्री ले ली, हिंदू ने अरबी में डिग्री ले ली। भैया भाषा किसी गुलाम थोड़ी होती है यार, कहाँ से सीख के आया तो लिख के और गलत प्रचारित कर रहा है। भाषाएं आप रशियन सीखें, आप फ्रेंच सीखें, इंग्लिश सीखें, हिंदी सीखें, और जो हिंदी के पत्रकार हों उनको तो विशेष रूप से कहूँगा, हमारी राष्ट्रभाषा और गौरव की जो पहचान है उसके प्रचार प्रसार में अच्छी बातें लिखें। भाषा सबसे पहले तो ये देखना कि वहाँ की स्थानीय मांग क्या है, ये बड़ी बात है। हम विदेश जाते के रूप में इन जब ग्लोबल बातें की जाती है, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, ये एशियन कुछ कंट्रीज़ के लोग भी समझ सकते हैं। जब हम यूरोप में घुसे तो वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज की बात बढ़ जाती है, हालांकि फ्रेंच और रशियन ये उनके देशों, जापानीज उनकी भाषा, बट इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। उत्तर भारत में आदि को राजनेता बनने के लिए मराठी, कन्नड़, मलयालम छोड़कर, गुजराती छोड़कर हिंदी बोलना पड़ता है, क्योंकि भारत में
डोमिनेटिंग लैंग्वेज जो हो हिंदी, 350 के आंकड़े पार कर जाती है। लोक स्वच्छता की बात की जाए तो 70% क्षेत्र में लोग हिंदी समझते हैं। बंगाल में जाकर हिंदी का दबदबा जारी रहता है, परंतु वो नहीं बसता जो बिहार तक है। बिहार और बंगाल सीमावर्ती हैं, परंतु उड़ियन लोग और बिहारी लोग, बिहारी तो हिंदी ही पसंद करते हैं बोलना, अच्छी हिंदी बोल लेते हैं बिहार प्रदेश के लोग, पर बंगाल में जाकर थोड़ी समस्या है। तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदी थोड़ा सा क्षेत्र अगर छोड़ दिया जाए तो हिंदी का बोलबाला पूरे भारत में बढ़ ही रहा है और विदेशों तक बढ़े। भाषा सीखनी जिज्ञासा पैदा की जाए। आजकल ऐप्स बड़े सहायक, मैं उसी पर कहना चाहता हूँ। लोगों को अपनी नॉलेज अपडेट करने के लिए सॉफ्टवेयर ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में काम करेगा। ई लर्निंग का दौर आ गया है, ई टीचिंग का दौर है। टीचर स्कूलों की आवश्यकता, मैं कह रहा हूँ कि संख्या बहुत, तभी उन टीचर्स और स्कूलिंग की आवश्यकता पड़ेगी जो ऑनलाइन टीचिंग जानते हों। अच्छे से अच्छे सिलेबस और लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। वो बातें की कहानियाँ सुनाकर अपनी जीवन की दो बातें बताकर कक्षा कालान से अध्यापक का बाहर आ जाना, वो दौर नहीं रहेगा। आज टीचर भी नज़रों के नीचे काम करेगा। अलग अलग ऐप्स पर, अलग लर्निंग पोर्टल बच्चे जा रहे हैं, तो लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और टीचर भी अपने आप को अपडेट कर लें। टीचिंग फीडबैक अब सामने से आएगा। पॉलिटिशियंस और टीचर्स को और बिजनेस मैन को मैं कह रहा हूँ कि यही एक दौर बदला है। बिजनेस मैन ने बताया कि कोई सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम जो है वो कस्टमर हैं, उनसे फीडबैक लिया जाए, क्या चाहते हैं, कितनी सेवा संतुष्ट और सुधार किया जाए। नेताजी भी जीतने बाद कुछ दिन उसमें रह सकते हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे शिक्षा मंत्री से कहा जाए, भैया मेरी बात सुनो, कैसे फॉर्म की जाए, तो एक मजाकिया लहजे में जरूर कह सकते हैं, सुझाव दें, परंतु जमीनी तौर पर काम करने की नीयत होती नहीं। महिला विश्वविद्यालय के काथा दयान सरस्वती जी के आदर्शों आगे बढ़ाने के लिए जो अभियान हमने चला रखा है, राष्ट्रभाषा के विकास के लिए भी और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, तो लोग बेटी पढ़ाओ का नारा तो जरूर देना चाहते हैं, परंतु जब उनसे कहा जाए तो अधिकारी तो वहीं गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। मुख्य सचिव स्तर के, उपायुक्त स्तर के, कि सर मैं कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ। इस तरह के फैसले सीएम साहब लेते हैं, पीएम साहब लेते हैं, ईएम साहब लेते हैं, तो उन्हीं साहिबान से मैं कहता हूँ, पीएम साहिबान, ईएम साहिबान और सीएम साहिबान, कि आप इस तरह की बातों के लिए आगे हैं, समय निकालें, मिलें लोगों से। हमारे राजनेताओं ने इस मामले में जनता ऐसा बड़ा धोखा किया है कि जीतने से पहले सभी सरल और सादगीपूर्ण लोग अच्छी बातें करते हैं, परंतु तो एक हताशा पैदा की जनता में कि जीतने के बाद वो लोग जनता से बड़ी दूरी रखना पसंद करते हैं। इतना सुपर स्मार्ट बना और स्मार्ट से काम नहीं चला है कि मैं बहुत चतुर आदमी और मुझे इन लोगों से दूर रखा जाए, चल नहीं। यहाँ का एक की गलती नहीं है, मैंने कहा था यहाँ कोई आम नहीं है, यहाँ सिर्फ अदाकार और कलाकार, इन्होंने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से पढ़ी नहीं, सीखी नहीं, ऑनलाइन नहीं आना चाहते किसी सामान्य आदमी से बात करने के लिए। आम आदमी लोकतंत्र में सभी आम होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि मैं आम हूँ। आम बने, आम व्यवस्था डेवलप करें और सीखने की प्रवृत्ति कैसे बढ़ाई जाए, पुरस्कार देकर या पद देकर, एक जिज्ञासा पैदा करने की, लगन पैदा करने की जरूरत है कि आप अगर ये प्राप्त कर लोगे तो आपको ये होगा, ये करने पर ये मिलेगा। ये मैनेजमेंट की थ्योरी, प्रबंधन की थ्योरी है, टिट फॉर टैट, कि मैं अगर ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, इस शैक्षिक स्तर को हासिल करने में मुझे पद मिलेगा, ये पुरस्कार मिलेगा, दौड़ लगाते हैं, लगभग देख लीजिएगा। तो मैं यही कहूँगा, शिक्षा की गुणवत्ता, और जब तक ग्लोबलाइजेशन, जब तक आप वैश्विक धमक नहीं दिखा देते हैं कि आपके देश में पढ़ने के लिए विदेशी लोग ला लाए, तो तब तक आप अपने आप को कहीं श्रेष्ठ नहीं कर सकते। जब तक आपके हेल्थ सर्विसेज लेने के लिए लोग नहीं तरस रहे हों,
लाइन में नहीं खड़े हूँ मैं भारत को, तो विशेष रूप से हमारे यहाँ जो नेताजी हैं ये कहना चाहते हैं हमारे इस देश को, एशियन कंट्रीज, चाइना भी हमारी तरफ देखे शिक्षा ले, चाइना पड़ोसी देश है, मत दौड़ो अमेरिका और यूरोप, बाद में जाना, सस्ती इकोनॉमी का लाभ उठाएं, ये बताएं कि हमारे यहाँ उन लोगों की मुद्रा का मूल्य ज़्यादा है कंपेरेटिव टू USA, सस्ती शिक्षा, अफ्रीकन और एशियन देश जो हम नज़दीक भी, हमें संस्कृति मिलती है, काली काली नस्लें जिनको कहा जाता है एशियन अफ्रीकन्स को, हम काले 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 एक हो जाए, आज मेरा यही कहना है, कालो हम एक भाषा बोलेंगे, हमें बोलनी आती है, हिंदी नहीं उर्दू बोलेंगे, हमें अफ्रीकन बोलेंगे, जो जो जगह कांगो की कोई भाषा हम सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अफ्रीकन और एशियंस को उन देशों में काला कहा जाता है अमेरिका में आज भी, जैसे अंग्रेज भारतीयों कहते थे भारतीय नहीं काले, उनकी नज़रों सभी अफ्रीकन और एशियन हैं, और आज मेरा यही नारा है भाषा सीख लो सब एक दूसरे मिलकर, न मैं बंगला, बंगला सीमाओं से नहीं रुकती है, हमारे बंगाल से होती ही बांग्लादेश भी जाती है, सभी बोलते हैं, सभी जाति और मजहब के लोग बोलते हैं बंगला, तो मैं यही कहूँगा कि भाषाएँ ज़्यादा से सीखें, अगर राजस्थान का बच्चा मलयालम सीखता तो मैं खुशी होगी, जिज्ञासा बढ़े, कई बार मैं देखता हूँ कि मजाक के लहजे में सीख, कुछ लोग पंजाबी सीखते हैं, कैसे बड़ी अच्छी लगती है, थैचर साहब के साथ कहा जाता हमारे पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी गए थे, तो थैचर ने कहा था कि आप मुझे पंजाबी में बोलकर सुनाओ, आई लाइक द लैंग्वेज द मोस्ट, अंग्रेजी तो बोलती रहती है, मुझे पंजाबी अच्छी लगी, स्वीट लैंग्वेज, इंग्लिश के लिए कहा जाता था स्मार्ट लैंग्वेज, और पंजाबी और राजस्थानी गुजराती के बारे में कहा जाता है स्वीट लैंग्वेज, तो स्वीट लैंग्वेजेस का प्रचलन बढ़े, चाहते हैं आज के लोग इस दौर में कि हम स्वीट लैंग्वेज सीखें, स्मार्ट से भी स्वीट का महत्व ज़्यादा है, तो स्वीट लैंग्वेजेस को प्रमोट करें सरकारी में, और ढेर सारे पुरस्कार घोषणा करें उनके प्रमोशन के लिए, इसके में राजस्थान गुजरात और विशेष रूप से पंजाब सरकार से विशेष रूप करूँ, और दूसरे राज्यों से भी अपनी ओरिजिनल लैंग्वेजेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप आगे आइए, आपकी भाषा क्यों आप मलयालम को एक प्रदेश में रोक रहे हो, आने दीजिए पूरे भारत में, वी वेलकम, हम चाहते हैं कि मलयालम में पानी क्या वो सिखाया जाता है, खूब सिखाएं और प्रचार करें और पुरस्कार दें, आप अपनी भाषा के विस्तार के लिए कार्य करें, इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं प्रेषित करें अग्रिम रूप से कि भाषाओं के विकास पर जोर दिया जाए, धन्यवाद।